हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। दोस्तों, क्या आपके घर भी रात की बची हुई दाल पड़ी है? प्लीज़ उसे फेंकिएगा नहीं, क्योंकि आज हम उस दाल की बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनाएंगे। एक मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें अब 1 बड़ी चम्मच बेसन डाल दें। एक बड़ी चम्मच इसमें अब सूजी डालें। इसे अब अच्छे से मिक्स करें। सूजी से हमारी कचौड़ियाँ क्रिस्पी हो जाएंगी। 1/2 छोटा चम्मच इसमें भुने जीरे का पाउडर डालिए और 1/2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। इसमें अब 1 चुटकी अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए। अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये मेरे पास रात की 1 कटोरी बची हुई दाल है। अब मैं इसे भी आटे में मिक्स कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों, ये कचौड़ियाँ बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और खाने में भी सभी को बहुत पसंद आती हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और एक सख्त आटा गूंदिए। दोस्तों, इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। हल्दी की वजह से कचौड़ियों का रंग और निखर जाएगा। हमें यहाँ पर पूरी वाला सख्त आटा गूंदना है। अब इसमें 1 चम्मच घी डालिए और इसे फिर से 1 मिनट के लिए गूंदें। आटे को अब 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। 25 मिनट के बाद अब हम आटे को फिर से 1/2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। आटे की एक छोटी सी लोई ले लीजिए और उसका एक पेड़ा बना लीजिए। पेड़े पर हल्का सा तेल लगाकर या फिर सूखा आटा लगाकर उसे बेल लीजिए। ध्यान रखिएगा, कचौड़ी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। अगर आपकी कचौड़ी ज़्यादा पतली होगी तो फिर वो फूलेगी नहीं। कचौड़ी को बेलने के बाद उसे अलग रख लें। इसी तरह बाकी की भी कचौड़ियों को बेलकर तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है फ्राई करने के लिए। इसमें अब मैंने एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाला है। अगर वह टुकड़ा ऊपर आ जाता है तेल पर तो तेल हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें अब कचौड़ी डाल दीजिए। कचौड़ी को हमेशा गरम तेल में ही डालें। कचौड़ियों को मध्यम आंच में सेकें। कचौड़ी को फुलाने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा साइड से दबा दबा के सेकें। अब हमारी कचौड़ी एकदम तैयार है। बाकी कचौड़ियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लें। दोस्तों, ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। प्लीज़ इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही फिर से मिलेंगे एक और नई और टेस्टी डिश के साथ। थैंक यू ऑल।